हाय फ्रेंड, मैं सचिन, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 ऑफ 1/3, why और why not, ठीक है। ये बताना है कि 0.3 जो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 3 ऑफ 1/3 का, है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, और रसनल नंबर के इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, फिर से बता देते हैं। जैसे कि अगर कोई रसनल नंबर है ए बाई बी, उसमें कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिले, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो मल्टीप्लाई लगा के ए बाई बी का इनवर्स क्या होगा, बी बाई ए होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी बाई ए बी हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का काम कौन कर रहा है, बी बाई ए, ठीक है। तो ए बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी बाई ए होगा। जैसे 2/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 4/2 होगा। तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का काम कौन कर रहा है, 4/2 कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0.3, ठीक है, 0.3 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 ऑफ 1/3, ठीक है, 3 ऑफ 1/3 ये बताना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां जो है 3 है, 3 ऑफ, अब नीचे लिखेंगे 1, ठीक है। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 10 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 0.3 को हम 3/10 फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आ गया तो 0.3 3 ऑफ 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 प्लस 1 10, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10/3, और ठीक है। अब 1 आता है कि नहीं देखते हैं, 10 3 जा 30 इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। इसको काटेंगे, 31 जा 30, ठीक है। तो जो है तो हम लिख सकते हैं 0.3 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 ऑफ 1/3, ठीक है। तो यहां जो है 10/3 जो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 3/10 का, ठीक है। 3/10 को हम 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं, तो ठीक है, 0.3 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 ऑफ 1/3। तो अगर बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बाय।